तो आज मैं आपको बताऊंगी बीएड में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने लिए हैं नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लिखनी है यहाँ पर सबसे ऊपर डेट। डेट जिस दिन आप पढ़ा रहे हो उस दिन की डेट होगी। फिर नीचे क्लास लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। और नीचे टॉपिक लिखना है जो कि है नाउन। और फिर सब्जेक्ट के साइड में पीरियड लिखना है, पीरियड फर्स्ट पीरियड था। और ड्यूरेशन में हमें कितने समय तक पढ़ाना है, 45 मिनट है, ठीक है। और फिर जनरल एम्स आएगा फर्स्ट। जनरल एम्स में फर्स्ट जो पॉइंट है टू एनरिच द फॉर लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में ए है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है टू एक्वेंट द लर्नर विद द रूल्स ऑफ ग्रामर। टू एक्वेंट द लर्नर विद द रूल्स ऑफ ग्रामर। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। फोर्थ है हमारा टू हैव द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स में सीरियल नंबर, एक टेबल बनेगी और सीरियल नंबर लिखना है आपको फर्स्ट। और इसमें स्पेसिफिक एम आएगा। स्पेसिफिक एम में नॉलेज एम्स और यहाँ पर एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस। और नॉलेज एम्स में फर्स्ट पॉइंट है आपका द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट नाउन। सेकंड है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। और स्पेसिफिक एम्स में सेकंड पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन एम्स। इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ नाउन, ठीक है। फिर इसके बाद है जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन एम था उसका सेकेंड पॉइंट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन। और फिर थर्ड है एप्लीकेशन एम। एप्लीकेशन एम में आएगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज नाउन अकॉर्डिंग टू देयर डेली कन्वर्सेशन, ओके। फोर्थ आएगा इंटरेस्ट एम। इसमें आएगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेक पॉजिटिव इंटरेस्ट इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश कैन बी टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेक पॉजिटिव इंटरेस्ट इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश कैन बी टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ओके। फिर आएगा हमारा एटीट्यूड एम। द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉरन। और ब्रैकेट में लिखेंगे इंग्लिश और फिर लिखेंगे लैंग्वेज। फिर हमारा टेबल को बंद कर देना है और फिर लिखना है आपको मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स में फर्स्ट आएगा जनरल एड्स। जनरल एड्स में चॉक डस्टर पॉइंटर रोलर बॉल एक्सेट्रा, ठीक है। फिर स्पेसिफिक एड्स में आएगा अ चार्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। फिर आएगा प्री नॉलेज अज्यूम्ड। इसमें आएगा फर्स्ट पॉइंट द स्टूडेंट्स हैव एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट इंग्लिश लेसन। द स्टूडेंट्स हैव एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट इंग्लिश। इधर ऑब्लिक आएगा इंग्लिश के बाद में इंग्लिश ऑब्लिक द लेसन, ठीक है। और फिर हमारा थर्ड पॉइंट है दे हैव जनरल नॉलेज ऑफ द टॉपिक, ठीक है। दे हैव जनरल नॉलेज ऑफ द टॉपिक। और थर्ड है दे कैन मेक सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्किल्स में जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं आंसर में से ही अपन को क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएंगे और यहाँ पे पीपल टीचर्स एक्टिविटी आ जाएगी और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्ट।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस लिए हैं, रविंद्र एंड नारायण आर गोइंग टू जयपुर. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस. जो ऊपर का सेंटेंस है उसमें अंडरलाइन जो रविंद्र और नारायण है वो क्या शब्द हैं. तो हमने स्टूडेंट एक्ट में लिखेंगे रविंद्र एंड नारायण. फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वेयर आर रविंद्र एंड नारायण गोइंग. रविंद्र और नारायण कहाँ जा रहे हैं. तो रविंद्र और नारायण गोइंग टू जयपुर. तो यहाँ जयपुर आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज जयपुर इन दिस सेंटेंस. जयपुर क्या है इस वाक्य में. तो नेम ऑफ अ प्लेस है ये, ठीक है, जयपुर. और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पर्सन थिंग प्लेस एक्सेट्रा. जो नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग प्लेस होता है वो क्या होता है, इसको हम नाउन बोलते हैं. इसका आंसर आ गया नाउन. फिर है फिफ्थ, हमें लिखना है व्हाट डू यू नो अबाउट नाउन. नाउन के बारे में आप क्या जानते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट नाउन. तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है. यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिखेंगे. फिर आपकी टेबल बंद करके स्टूडेंट ऑफ एम लिखेंगे. इसमें आएगा स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव. फिर हमें एक टेबल बनानी है. टेबल में हमें यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है, टीचिंग पॉइंट लिखना है, पीपल टीचर्स एक्टिविटी लिखनी है. तो हमने इसमें लिया है कॉमन नाउन. ये डेवलपमेंट क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे. सब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट एनी टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. तो हम डेवलपमेंट क्वेश्चंस के सामने एक्सपेक्टेड आंसर लिखना होता है. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है एट्रीब्यूटिव एंड कंपेरेटिव एडजेक्टिव. दो प्रकार के एडजेक्टिव हैं वो, एट्रीब्यूटिव और कंपेरेटिव. सेकंड क्वेश्चन है, इन विच एडजेक्टिव वी कंपेयर टू पीपल और थिंग्स. कौन सा एडजेक्टिव है जिसमें हम दो लोगों और वस्तुओं को तुलना करते हैं. तो वो है कंपेरेटिव एडजेक्टिव. थर्ड क्वेश्चन है, विच नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड एंड आर टिपिकली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद आर्टिकल्स एंड अदर डिटरमाइनर्स. ठीक है, डिटरमाइनर्स है. तो इसका आंसर आ रहा है कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन जो आंसर आ रहा है उसे यहाँ पर भी लिखना है. और फिर हम जनरलाइजेशन लिखेंगे तीन क्वेश्चन के लास्ट में. और फिर इसकी पूरी जो डेफिनेशन होती है वो लिखेंगे. तो इसकी डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ अ पर्सन थिंग और प्लेस और दैट नेम्स अ कंसेप्ट. कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, अनलाइक प्रॉपर नाउन्स विच आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. कॉमन नाउन इंक्लूड द नेम्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ज्योग्राफिकली फीचर्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स एंड मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, द फार्मर सेड हिज नेम वॉज टॉम. ठीक है, और जो ये जनरलाइजेशन हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखे हैं इसके सामने लिखना है, द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन इन देयर नोटबुक. जो डेवलपमेंट क्वेश्चन है उसके सामने ब्लैक पेज पर जो ये आंसर है वो लिखने हैं. और यहाँ पर इसकी जो नाउन की डेफिनेशन होती है वो लिखनी है, अ नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ पर्सन थिंग और प्लेस. जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर उसके बारे में है, हमें यहाँ लिखना है. और फिर यहाँ पर हमें एक चार्ट भी बनाना है, उसमें हमें नाउन लिखना है. और नाउन के तीन टाइप लिख दिए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
आप चाहें तो इसको अच्छे से कलरफुल भी बना सकते हैं। और फिर हमारा दूसरा जो डेवलपमेंट क्वेश्चन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटरजेक्शन, और सेकंड है हाउ मैनी इंटरजेक्शन आर देयर। कितने प्रकार के इंटरजेक्शन होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं, थ्री। थर्ड क्वेश्चन है विच नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। तो जनरलाइजेशन में लिखेंगे अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट सर्व्स एज द नेम फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस पर्सन और थिंग टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश। प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड पर्सनल नेम्स, प्लेस नेम्स, नेम्स ऑफ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड द टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म, सॉन्ग्स एंड अदर मीडिया। एग्जाम्पल है आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखी देंगे इसके जनरलाइजेशन के साइड में द स्टूडेंट्स विल बी लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन इन देयर नोटबुक। और यहाँ पर हमारे जो आंसर आए हैं वो ब्लैक पेज पे लिखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटरजेक्शन, थ्री प्रोपर नाउन। और फिर यहाँ पर प्रॉपर नाउन के बारे में लिखेंगे प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट सर्व एज द नेम फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस और पर्सन और थिंग। और फिर यहाँ पर एक चार्ट भी लगाना है, जैसे हमने आगे कॉमन नाउन में बताया था। तो प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। और यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट लिया है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है डेवलपमेंट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब कॉम्प्रिहेंशन इन वन वर्ड। तो वन वर्ड में है कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। थर्ड क्वेश्चन है विच नाउन्स रिप्रेजेंट इंटेंजिबल आइडियाज, थिंग्स यू कॉन्ट परसीव विद फाइव मेन सेंसेस। इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि यहाँ पर लिखा है। फिर जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन में पीपल टीचर्स स्टेटमेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में लिखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट इंटेंजिबल आइडियाज, थिंग्स यू कैन नॉट परसीव विद द फाइव मेन सेंसेस। वर्ड्स लाइक लव, टाइम, ब्यूटी एंड साइंस आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बिकॉज यू कैन कॉन्ट टच देम और सी देम विदाउट टेंजिबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी हार्ड टू पिन डाउन विद ग्रामर रूल्स। यहाँ पर हमने इसके जो आंसर आए हैं वो लिख दिए हैं ब्लैक पेज पर। और यहाँ पर नीचे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो उसकी डेफिनेशन है वो लिख दी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट इंटेंजिबल आइडियाज, थिंग्स यू कॉन्ट परसीव विद द फाइव मेन सेंसेस। और इसका चार्ट बना दिया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडवांटेज होती है इसमें, एक वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एडवेंचर होता है, ब्रेवरी आता है, चैरिटी आता है, जिसका हम यूज करते हैं। लास्ट में है ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फोर्थ। और इसमें प्रिपेयर टीचर स्टेटमेंट है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ वर्ड विच इज सिमिलर टू स्पीच। आंसर है स्पीकिंग। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। विच नाउन रेफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा। इसका आंसर आ रहा है कलेक्टिव नाउन।
ठीक है, और फिर हम इसको बंद कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉपर नाउन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। सिक्स क्वेश्चन है राइट एनी फोर टाइप्स ऑफ नाउन। और लास्ट में हमें इवेल्यूशन क्वेश्चन बनाने हैं। इवेल्यूशन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग्स इज, ये क्या होता है। तो ए ऑप्शन है नाउन एडवर्ब वर्ब एंड एडजेक्टिव, तो इसमें आ जाएगा नाउन। सेकेंड है द नाउन विच रिप्रेजेंट इंटेंजिबल आइडियाज थिंग्स यू कॉन्ट परसीव विद द मेन सेंसेस इज, इसमें क्या आंसर आएगा। एक तो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और फिर थर्ड है अ नाउन, अ नाउन अ डैश नाउन इज अ नाउन दैट सर्व्स एज द नेम फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस पर्सन और थिंग। और फोर्थ क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन विथ एग्जाम्पल। फाइफ्थ क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन विथ एग्जाम्पल। और फिर हम लिखेंगे होम असाइनमेंट, और होम असाइनमेंट के बाद राइट थ्री टाइप्स ऑफ नाउन विद एग्जाम्पल, ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट में। और फिर लिखेंगे ऑब्जर्वर रिमार्क। थैंक यू।